नमस्कार। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बच्चे, मित्रों, फ्रेंड्स, सभी को, आप सभी को जैसे पता है, अभी अभी जो है हमारा स्कूल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, ठीक है, 31 जनवरी तक। और देखिए, जहां पर बारों को ठेके बंद नहीं है, परंतु यहां पर हमारे स्कूल शिक्षा का घर बंद है। देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि सभी बच्चों की, सभी हमारी जो पढ़ाई है वो खराब हो रही है। इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर आपने, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने ये काम किया, तो हमारे स्कूल फिर से ओपन हो जाएंगे 31 जनवरी तक या 31 जनवरी से पहले पहले, अगर ज्यादा ज्यादा ये काम किया तो, ठीक है। आपने यहाँ पर एक स्टेटस देखा होगा, है ना, मैंने भी देखा था, उसी के चलते मैंने, चलो ठीक है, वीडियो बनाए देते हैं, ठीक है। मैंने सर काफी सारा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद एक ऐसी वेबसाइट खोजा हूँ, ठीक है ना, जिसका नाम है पीएम इंडिया, है ना, pmindia.gov.in, ठीक है। इस पर क्या है, आप अपने सुझाव, है ना, अपने संदेश प्रधानमंत्री के साथ साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसा जैसा बताऊंगा अभी वीडियो में, वैसा वैसा आप सभी को करना है। तो अभी आप सभी को उस वीडियो को देखना है और आपको पूरा देखना, पूरा, उसके बाद ही जो भी करना है वो करना, पूरा सोच समझ के, ठीक है, वरना आपको पहले नहीं करना कुछ भी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, और हाँ, उस वीडियो को देखने के पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दे, ठीक है, शेयर कर दे, कमेंट बॉक्स में बोले कि आपका क्या राय है इस बात पर, ठीक है। बाकी तो उस सुझाव में आप देंगे है, ठीक है, परंतु इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, इससे होगा क्या भाई, इससे ये होगा हमारी जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के पास, ज्यादा बच्चों के पास फैलेगी, ठीक है ना। हो सकता है ये हमारे मेहमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास, ठीक है, तो उनके पास पहुंचे, इसके लिए आपको वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले इस क्लिप को देख लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। आपको करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको ओपन करोगे तो आप इस प्रकार के पेज को ओपन करते हुए पाएंगे, इस प्रकार का पेज आपके सामने शो होगा। आपको यहाँ पर जो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है चलू वाले, जिस पर ओटीपी आ सके, और एक ईमेल डालना है जिस पर ओटीपी आ सके, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, ये जो कैप्चर दिख रहे हैं ना, इस कैप्चर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ऐसा का ऐसा ही, है ना, वर्ड जितना बड़ा, यानी कि कैपिटल कैपिटल में तो कैपिटल में, अगर स्मॉल में तो स्मॉल में आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लोडिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, और इस प्रकार से जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ओटीपी को फिल कर देना है, ठीक है। ओटीपी को मैं फिल कर देता हूँ, और जीमेल का ओटीपी लेने के लिए आपको करना क्या है, अपने जीमेल को और जीमेल को ओपन करना, ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ओपन किया, और जिस भी आपको, आपने जीमेल आईडी डाली उसी को आपको ओपन कर देना। देखिए, और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो है ओटीपी आ चुका है। अब देख सकते हो, यहाँ पर मैं इन ओटीपी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपली सा इस पेज में यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए, पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जमा करे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो, कुछ इस प्रकार का जो पेज ओपन होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो लिखा रहा है वो, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपको अपनी श्रेणी चूज कर लेनी है, आप क्या हो, ठीक है ना, अपना जेंडर चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना राष्ट्र, ठीक है ना, राष्ट्र तो अपना भारत ही है, यहाँ पर राज्य चुन लेना है, कौन सा राज्य से आप, यहाँ पर पता, ठीक है ना, पता ये दो तीन में है ना, पिन कोड में जो जैसा बोल रहा हो वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है जो आपने अभी डाला था, है ना, ये वाला, है ना, ये वाला आ गया। उसके बाद ये देखिए ईमेल पता, और फिर इसके बाद श्रेणी का चयन करना है। श्रेणी क्या है, देखिए श्रेणी में आपको, देखिए यहाँ पर आपको जो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो संदेश अनुरोध पर क्लिक करना है, संदेश पर, ठीक है, ये संदेश पर क्लिक कर देना है, ठीक है। संदेश पर जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक और बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको विवरण, है ना, जो आपके संदेश है, संदेश को यहाँ पर आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने फिल किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो इस प्रकार के कैरेक्टर है ना, ये इनको इसमें यूज नहीं लाना है, वरना आप, अगर आप इनको यूज करोगे तो इसका कोई फल नहीं होगा, यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर आपको जमा करने पर क्लिक कर देना है। जमा करने के बाद होगा क्या, आप देख सकते हो, जमा करने के बाद आपके पास इस प्रकार का मैसेज आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हो मेरा स्टेटस यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरा नाम आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपको, आप देख सकते हो डेट ऑफ रिसीव्ड, है ना, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट का डेट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कैसा लिख देना आपको
है ना, ऐसे कैसे है, आपको नहीं लिखना थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल काट देना है, क्योंकि अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं होगा, मेरा है यूट्यूब चैनल इसलिए, ठीक है ना, इसलिए डाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा ऐसा कैसा डालना है। ठीक है, ने इस क्लिप को देखा, आपको ऐसा कैसा ही करना है, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।